साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने से खीर आपने तो बहुत बार बनाई होगी। आज हम बनाएंगे साबूदाने की टिक्की। यहाँ पर मैंने एक कप मीडियम वाला साबूदाना लिया है। इसे हम कढ़ाई में डालकर मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। हल्का सा क्रंच इसमें आ जाए जिसे हम आसानी से इसे मिक्सी में पीस सकें। इसका हमने फाइन पाउडर बना लिया है। इसी के साथ 3 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके ले लिया है और इसी साबूदाने के पाउडर में हम आलू को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। स्वाद के अनुसार डाल देंगे इसमें सेंधा नमक और थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब हाथ में हल्का सा घी लगाकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसको गोल गोल घुमाते हुए इसकी हम टिक्की बनाएंगे। इसे मैंने 2 शेप में बनाया है। इसे आप कोई और शेप में भी बना सकते हैं। अब गैस पर हमने कढ़ाई में घी डालकर गर्म कर लिया है और एक एक टिक्की डालकर इसे हम सेक लेंगे। इसे मैंने शैलो फ्राई किया है और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक सेकने देंगे। दूसरी तरफ से भी सिकने के लिए मैंने इसे पलट दिया है। जब तक ये दूसरी तरफ से भी सिक रहा है, चलिए बनाते हैं बढ़िया सी एक और रेसिपी। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मखाना लिया है। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन और मखाने को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इसका कलर हमें नहीं चेंज करना है और ये 2 से 3 मिनट में मखाना भून गया है और ये क्रिस्पी भी हो गया है। इस तरह से गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके दरदरा हमें पीस लेना है। बहुत फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है और इस तरह से इसे मिक्सी में पल्स पर चलाते हुए दरदरा हमने पीस लिया है। यहाँ पर मैंने पहले से ही दूध को गैस पर चढ़ा दिया था और ये 1 लीटर दूध है। दूध को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। अब इसमें हम सारे मखाने डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर हम 10 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी खीर इसकी बनती है। जितनी देर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे उतनी ही ये बढ़िया बनती है और 10 मिनट में खीर कितनी गाढ़ी बन गई है। अब इसमें टेस्ट के अनुसार चीनी डाल देंगे और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, 1/2 छोटा चम्मच छोटी इलायची। ये खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है और इधर हमारे टिक्की भी सिककर तैयार हो गए हैं। साथ में है व्रत वाली धनिये की चटनी और ये हमने जो मखाने की खीर बनाई है और उसी के साथ हमने भोग प्रसाद के लिए पंचामृत बनाया है और हमने लिया है कुछ अनार के दाने और इस तरह से हमारी व्रत की थाली तैयार हो गई है।